हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका संगीता नायर चैनल पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज है खिचड़ी, तो हैप्पी खिचड़ी टू ऑल ऑफ यू। और होप कि आप सब लोगों ने खिचड़ी और दही बड़े जो भी आपके यहाँ आज बनता है आप लोगों ने खा लिया होगा। मैं तो खा चुकी हूँ खिचड़ी और दही बड़ा। अनाज इज स्टिल ईटिंग हर फूड। यस यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, और अनाया खिचड़ी नहीं खाती है, तहरी भी नहीं खाती है, तो खा रही है सब्जी रोटी। अनाया बिल्कुल ना राइस नहीं पसंद करती, वो भी प्लेन राइस पसंद करती है कभी कभी। उनको सिर्फ चाहिए सॉलिड खाना, यानी कि सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी। तो हमने शावर और लेके खाना वाना खा लिया है आराम से, और नहाया है जबरदस्त ठंडे पानी से, क्योंकि किस्मत को मैं क्या कहूँ। मैंने कहा कि चलिए रॉड नहीं लगाते, गर्म पानी नहीं करते हैं, चलिए मोटर ऑन कर लेते हैं उससे ना। जैसे ही मैं बाथरूम में गई, मोटर तो ऑन कर गई थी, थोड़ी देर बाद लाइट चली गई। मैंने क्या किया ना, मैं अपनी बाल्टी पहले भर के नहीं रखी, मैं सोचा ताज़ा पानी आता जाएगा, मैं नहाती जाऊंगी। तो कड़ाकेदार ठंड पानी से मैंने नहाया, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, चलता है, मज़ा आ गया, फ्रेश हो गया मन बिल्कुल। और इधर लगा है मेरा ढेर कपड़ों का। इन कपड़ों को मैं पैक करके इस बैग में रखूंगी, क्योंकि अब मुझे एक दो दिन में यहाँ से निकलना है। तो ये वॉशेबल सारे क्लॉथ्स हैं, तो इनको मैं अलग बैग में रखूंगी, ताकि जाते ही वापस इनको लगा दिया जाए मशीन में। यहाँ पे मशीन नहीं है, तो हमने यहाँ पे कपड़े नहीं लगाए हैं, तो ये सारे कपड़े जाने वाले हैं तय होकर के इस बैग के अंदर, ताकि मैं घर वापस जाऊँ तो मुझे ज़्यादा ना कपड़े छाँटने ना पड़े कि गंदे कौन से साफ कौन से। ऑलमोस्ट सारे गंदे हो ही चुके घर वाले कपड़े। तो चलिए इनको तहा के मैं रखती हूँ, देखते रहिएगा व्लॉग में आगे। भाई ठंड में ये होता है ना, कपड़े सबसे ज्यादा हो जाते हैं। और आपके कपड़े ना बिना मशीन के, मैं ये नहीं कहूंगी जिनके यहाँ मशीन नहीं उनके यहाँ कपड़े नहीं सूखते, लेकिन टाइम लगता है भाई। या तो फिर आप आपके पास उन्हें थोड़ा सा ऐसे रखें जहाँ पर हीट हो, तो ही वो जल्दी सूखेंगे, अदरवाइज आप प्रेस करें। मेरा फोन कॉल आ रहा है। ये इतने सारे कपड़े हैं जो हमें धुलने के लिए ले जाने हैं। सो, आपने देखा कि कितने सारे कपड़े हैं। पर मेरी छुड़क्की बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी है। मतलब वो कहती है कि आप जल्दी से आ जाओ, हमारा मन नहीं लगता। उसके पास फ़ोन तो नहीं है, पर जिनके यहाँ काम करती ना, उनके यहाँ से मैसेज आया था कि पूछिए दीदी कब आएंगी, दीदी कब आएंगी। तो मुझे भी थोड़ा सा मेंटली पीस रहता है, सुकून रहता है कि मैं जाऊँगी तो मेरे पास बर्डन इतना नहीं पड़ेगा। छुटक्की है ना मेरे लिए, तो हेल्प करा लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा ही दे दूँगी कि एक ही दिन में धुलना है, धीरे धीरे करके मैं दूँगी उसको। और काम करने में कभी नहीं पीछे रहती है, कभी भी नहीं। मतलब मैं भले संकोच करूं कभी कि बाज बर्तन ज़्यादा हो गए हैं, तो कहेगी नहीं दीदी कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। तो वो भी मुझे मिस कर रही है, मैं भी उसे मिस कर रही हूँ, बस वापस जाना है। और बस ये सारे काम में पाने धीरे धीरे, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये मेरा रैबिट बैठा हुआ है। कुछ ड्रॉ करने जा रहे हो क्या? क्या दिखाना है? माय गॉड, वाह यार, कौन कौन बनाया ना है? ये तो कितना सुंदर सिंह बनाया यार। ये क्या आपने फेयर बनाया है? ये कौन कौन है इसमें बेटा? मैं और तुम हो कि नहीं? तो कौन ऐसे ही है? बहुत खूबसूरत है यार, सो प्रिटी। और ये देखो, ये क्या अनाया, ये क्या फेयर में जा रहे हैं? ये तो बहुत क्यूट है यार, ये तो मैंने उस दिन भी दिखाया था। पर ये देखो यार, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है ना। यस यस, ये देखिए कितना शार्प बनाया है इसने, ये देखिए फेस बनाया कितना अच्छा सा। ये देखिए, ये देखिए अनाया, आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है बाबा, हम लोग नहीं बना पाते सच में, ऐसा बहुत अच्छा है। तो खाना तो हम खा चुके थे, अब बारी है कुछ मीठा। मीठे में मुझे सूर से खोए वाली होती है वो बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे ये सब पसंद है। इधर ठंड की सीज़न में बहुत आता है, मैं दिखाती हूँ आपको। इधर है लैया का लड्डू, ये आप सबने तो खाया होगा इस सीज़न में। बिल्कुल मुझे ये देसी चीज़ें पसंद है, मुझे मिठाई वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ क्या कर रहे हो? इसमें है ये चने के दाल लड्डू, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए चने की दाल वाला सबसे फेवरेट है मेरा, ये मैं इसको खाऊंगी। और ये मूंगफली के दाने वाला, हाँ आप खा लो। और ये मूंगफली के दाने वाला मुझे बहुत नहीं अच्छा लगता, सबसे फेवरेट मेरा है चने की दाल का और लैया वाला, ये दोनों मेरे बहुत पसंद है बहुत। अगर चने की रोटी ये सब चीज़ें नहीं खा पाते हैं, तो इस समय चने का लड्डू जरूर आ जाए।
ये बैठी है बगल में अपना ड्राइंग को कुछ ले करके। केक ईटिंग केक। और ये क्या लगाया आपने बाबू यहाँ पे, ये हाथ में इधर इधर लाइए, यहाँ लाइए, ये क्या लगाया? क्या कलर? कौन सा कलर है ये? वैक्स कलर है, स्केच कलर। वही मैं कहूँ वैक्स यहाँ कहाँ चला गया। तो अनाया मीठे में केक खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ देसी चीज लड्डू। इंजॉय करते हैं हम दोनों लोग, हम तो खा पी रहे हैं, इनके पापा के पास में टाइम ही नहीं है भाई। बताऊं कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। सुबह इनके पापा निकल गए थे तब से उन्होंने मुझे नहीं लगता कुछ खाया होगा। अभी बोले हैं ये आने के लिए, देखिए कितने बजे तक आ पाते हैं। थाने पे है ना पापा? तो थाने में है, अच्छे कर रहे हैं, डिन तो हमारे दोबारा बात नहीं हुई। हम लोग खा रहे हैं, मजे लेते हैं हम लोग। सो लाइट जा चुकी है, मैं एक लड्डू खा पाई थी, मैं दूसरा लड्डू खाने जा रही हूँ। और अनाया को लगा दिया है मैंने इनके टैबलेट में टेबल्स, क्योंकि इनका ये होमवर्क मिला था विंटर वेकेशन का। तो अभी मैं हेल्प करने जा रही हूँ अनाया की पढ़ाई में थोड़ा सा। सो एक डेढ़ घंटे बाद मुझे फिर थोड़ा सा कार्विंग लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए गुआवा लाए थे जो मैं खाना ही भूल गई। फिर वो आते तो चिल्लाते मेरे ऊपर कि तुम्हें पसंद है और मैं मंगा के रखता हूँ, फिर तुम खाती नहीं हो। तो मैंने कहा चले अब गुआवा कट कर लेते हैं। इधर मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया था, उससे होनी थी लंबी बात, तो मैं अपना काम भी करती जा रही थी और उससे बातें भी करते जा रही थी। और गुआवा पता है रेड था, पिंक, बड़ा अच्छा। मुझे गुआवा बहुत पसंद है। फ्रूट्स में मुझे अमरूद और बनाना और मैंगो, मैंगो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पर हर सीज़न में मैंगो नहीं अवेलेबल होता है, मतलब अवेलेबल तो होता है लेकिन वो जो सीज़न का टाइम होता है ना, वो जो टेस्ट होता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। ये मैं कहाँ चली गई पता नहीं, फिर आ गई। चले तो सबसे फेवरेट मेरा फ्रूट है मैंगो, देन बनाना और ये गुआवा। बनाना गुआवा इक्वली पसंद है मुझे, और पपाया भी मुझे पसंद है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है अपना गुआवा, मैंने कहा आधा ही मैं खा पाऊँगी, पूरा नहीं कट करूँगी, बहुत बड़ा था ना। सो मैंने अपना गुआवा कट कर लिया है, चलिए लेके चलते हैं इसको रूम में और बैठ के इत्मीनान से खाते हैं चल के। तो आ गई हूँ मैं अपने रूम में, अभी भी मेरी बातें नहीं खत्म। कुछ फ्रेंड्स होती हैं ना जिनसे हमारी ज़्यादा देर तक बातें होती हैं, तो उनमें से मेरी एक फ्रेंड है, तो उससे मेरी बात हो रही है। और इधर मैंने डाल लिया है ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट से टेस्ट कुछ अलग आता है, मुझे पसंद है डालना, तो मैं बस डाल ही जा रही हूँ। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा बात के आगे। सब बातें मेरी अभी भी नहीं ख़त्म हुई हैं, कुछ लंबी बातें चल रही हैं। तो इधर मैं मज़ा ले रही हूँ अमरूद का भी, बहुत मीठा अमरूद है सच में यार। आप लोग भी खाएं, सीज़न किसी से ज़रूर खाएं। हम गुआवा खा ही रहे थे कि आ गए थे ना कि पापा, तो देखिए कितनी जल्दी बाजी में कैसे खाना खा के गए। फिर फ़ोन उनका आ गया, बस थोड़ा सा खाना खाया है और ये रहा हमारा गुआवा। अब अनाया को हम एप्पल कट के देंगे, अनाया एप्पल खाएगी ना? यस, लगा भैया हुआ है एप्पल आपने खाया है, बाइट साफ करने और भी कट कर देती हूँ मैं बाबू के लिए। हाँ खुश हो शाम का टाइम है और आ चुकी है मेरी चाय और इनका आया है बंद मक्खन। ये जो मैम बैठी है ना, इनका आया है बंद मक्खन। यस, तो अनाया बंद मक्खन खाओगे? ओके, और मैं पीऊंगी अपनी चाय। क्या हुआ? सो मैं मजा ले रही हूँ अपनी कुल्हड़ वाली चाय का, जबरदस्त स्वाद है। और ले लेती हूँ बंद मक्खन भी, बहुत तो नहीं पसंद है पर आ गया है डबल, तो मैं ले लेती हूँ। अनाया को अब आ रही है गुस्सा। अनाया, अनाया क्यों गुस्सा हो? भूख लगी है ना, पापा ने भेजा है खाना, अभी बेटा बस थोड़ी देर में आ रहा। भूख का लगी है पापा को? लगी है ना, भैया ने एप्पल तो खाया तो अभी और लगी है, बस विद इन 5 मिनट्स आ रहा है खाना। ठीक है, बस विद इन 5 मिनट्स बाबू का खाना यहाँ पे होगा और बाबू खा लेगा। अरे पापा क्या कर ले हो तुम, अभी आ रहा है खाना बाबू का।
अनाया के पापा कहीं गए हैं मीटिंग में, तो उन्होंने खाना भिजवाया है। अभी खाना आने में हो रहा है थोड़ा लेट, तो अनाया आपका मूड हो रहा है ऑफ। बस जैसे ही अनाया खाना आता है मैं जल्दी से अनाया को खिला दूंगी, क्योंकि अनाया को लगी है भूख। यस, क्यों खाने में जो आपने मंगाया है पापा ने वही भेजा है। क्या मंगाया है आपने? भूल गए क्या मंगाया है आपने? आज मंगाया था आपने फेवरेट होटल से आलू की सब्जी, सूखी सब्जी। अब याद आया कि नहीं याद आया? खुद तो मंगाती और खुद ही भूल जाती हो। हाँ, बस आ रहा है खाना थोड़ी देर। अनाया गई है देखने डोर पे, कोई आया तो नहीं खाना लेके। अभी आती है बेचारी। क्या हुआ? नहीं है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बस आ रहा है खाना। सो मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि आने वाला है अनाया का खाना यहाँ पे, तो मैं इंतज़ार में हूँ जल्दी से आए और मैं लेके जाऊँ, क्योंकि इसे लगी है बहुत तेज भूख। बस वेट है कि जल्दी से खाना आए और मैं अंदर लेके जाऊँ उधर। यस, तो आ गया है अनाया का खाना। यस, अभी हैप्पी हो हैप्पी हो आ जाओ, आ जाओ खिलाते हैं प्लेट लिए। तो आ गया अनाया का खाना, जिसके लिए मैं बहुत देर से परेशान थी। तो अनाया ने मंगाई थी अपनी ड्राई आलू, देखते हैं इसमें क्या मिलाया है। ओ, आ गई है अनाया के ड्राई आलू, मैं दिखाती हूँ आपको। अनाया ने मंगाया है ये वाला आलू, इनको ये पसंद है। ड्राई आलू मंगाई थी और मैंने मंगाया था फ्राइड राइस और मंचूरियन। आज मुझे ये खाने का मन था, खाना खाने का मन नहीं था, तो मैं दिखा देती हूँ ये मेरा। वाह, सुपर हॉट ना। और अनाया की रोटियाँ आ गई हैं, चलिए प्लेट आउट करते हैं और खिलाते हैं अनाया को खाना। तो अनाया को पहले मैं थोड़ी सी आलू दूंगी, जितना वो खा सकें, बेकार नहीं करेंगे। तो आ चुकी है ये अनाया की प्लेट और एक इनकी मिस्सी रोटी आई है सर, एक आई तवा रोटी। यस, पहले अनाया को ये दे देते हैं और एक इंच दो आई सुपर सॉफ्ट तवा रोटी। तो पहले अनाया को ही दे देते हैं, अनाया खाएंगी पहले अपनी रोटी, उसके बाद मैं खाऊंगी। सो लग चुकी है अनाया की प्लेट। अनाया बाबा चले ईट योर सेल्फ, आ जाए। लगे हाथ मैं भी अपनी प्लेट लगा लेती हूँ, क्योंकि अनाया ना मैंने अनाया को दे दिया है, क्योंकि वो ड्राई सब्जी है तो अनाया अपने हाथ से खा लेंगी, अदरवाइज मुझे मेहनत करनी पड़ती। तो फिलहाल मैं लेने जा रही हूँ अपना फ्राइड राइस, और इन्होंने ग्रीन अनियन डाला है, ये देखिए बहुत अच्छा सा ग्रीन अनियन है, ये देखिए। तो हस्बैंड के लिए भी इसमें से रखूँगी खाना, और बंद करके रख दूँगी ताकि जब तक वो आए तो थोड़ा सा तो गर्म उन्हें खाना मिल ही जाए। और थोड़ा सा आलू भी मैं लूंगी। यस, ऑल टाइम फेवरेट सबका आलू। और ये रहा मेरा मंचूरियन। सो लगा ली है मैंने भी अपनी प्लेट, चलते हैं रूम में खाना खाते हैं। सो हम दोनों की प्लेट लग चुकी है, अब हम दोनों करेंगे डिनर। यस, दैट इज मंचूरियन। वॉन्ट टू ईट? कभी नहीं ट्राई करती है अनाया, मैं फोर्स भी नहीं करती, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें तो होती नहीं, इनमें अरारोट मैदा ऐड होता है, तो ये नहीं खाती तो कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स। आज व्लॉग को यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग लाइक वाइज। गुड नाइट एवरीवन।